कर दिया। आप लोग देख सकते हैं इस टाइम पे मैं वहाँ कुंवारी घाट और ये नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है। और यहाँ पे मूर्तियों का स्थापना किया गया है, आपको सुंदर नज़ारे पीछे की ओर जो कि महादेव का है, और ले चलते हैं आप लोगों को। धन्यवाद, और भी मिलते हैं नजारे के साथ अगले एपिसोड के साथ। फाइनली दोस्तों इस टाइम पे मैं हूँ ग्वारी घाट के पास है माता काली का अद्भुत मूर्ति, जिसका आज विसर्जन की तैयारी फाइनली यहाँ पे चल रहा है, मूर्ति निकालने का तैयारी। और आज ये सबसे पहले निकलेंगे अपने यात्रा में, और बाकी इसके बाद होने वाला विसर्जन। फाइनली सभी लोग लगे हैं अब विसर्जन मूर्ति को निकालने की तैयारी में, तो बाकी आप लोग यहाँ का नज़ारा देखिए और मन में एक बार बोलेंगे सभी लोग जय काली जय माता दी। और कौन कौन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। शायद आप लोग जबलपुर से होंगे, मंडला से, डिंडोरी से, सहपुरा से, शायद अनेक अनेक जगह से होंगे। बाकी आप लोग नज़ारे के लिए बने रहिएगा और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहता है हमेशा कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट तो बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब का बटन जरूर, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। और बाकी आगे का नज़ारा माता रानी के दर्शन के साथ आप लोग बने रहिएगा, मिलते हैं और भी नज़ारे के साथ। जय माता दी। इस टाइम पे दोस्तों काली माता का जो मूर्ति है भ्रमण के लिए निकल चुका है, और ये देख सकते हैं भक्त नाच रहे हैं। और बाकी आगे का जो नज़ारा है, और माता रानी का छोटा सूरज जो कि पालकी में जा रहा है, और माता रानी है जो कि पीछे की ओर है ना। तो बस ब्लॉग में बने रहिएगा, और आप लोगों से एक ही उम्मीद है सपोर्ट करिए, और जय माता दी आप सभी को। ताकि माता रानी आप आज 17 अक्टूबर माता रानी का अंतिम विदाई पूर्णिमा के दिन है ना, तो बाकी चली बनते हैं और भी नज़ारे के साथ।
देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने माता शारदा का सुंदर सा झांकी जा रहा है और काफ़ी टाइम भी हो चुका है, लगभग 9:30 के आसपास। और बस मैं जाने की तैयारी में था घर, पर माता शारदा का झांकी देखने के बाद थोड़ा सा उम्मीद जागा और सोचा कि क्यों ना आज ब्लॉग में इन्हीं से मिलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को पूरा नज़ारा। तो बाकी आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग के साथ, मिलते हैं और भी आगे का एपिसोड में। इस नज़ारे को देखने के लिए अंतिम दर्शन, क्योंकि इसके बाद इनका विदाई, जो कि देख सकते हैं इस टाइम में पब्लिक का काफ़ी माहौल है और काफ़ी बहुती माहौल के साथ उनका जुलूस निकाला गया है। तो कुछ ही देर बाद इनका विसर्जन भी होना निश्चित कर दिया गया है ना। बाकी बने रहिएगा व्लॉग के साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखो तो केरा पैसा तो नहीं जाएगा।
अंतिम यात्रा विदाई का फाइनली हम लोग रास्ते पे हैं और आगे के नज़ारे हम बने रहिएगा। फाइनली माता जी का आज अंतिम विदाई है और इस नज़ारे के लिए शायद बहुत लोग बेताब होंगे जबलपुर वासी। बाकी आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट ज़रूर बना ही रखिएगा और मिलते हैं और भी नज़ारे के साथ। इस टाइम पे दोस्तों मैं आ चुका हूँ विसर्जन स्थल पे और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। ये है विसर्जन स्थल और यहाँ पे सारी मूर्तियाँ को विसर्जन हो चुका है, लगभग कुछ मूर्तियाँ ही बचे हैं और नगर पालिका जबलपुर का यह स्थान है जहाँ पे सारी मूर्तियों को विसर्जन की तैयारी किया गया। और ये देख सकते हैं क्रेन लगा हुआ है और ये कुंड। तो बाकी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग सपोर्ट के साथ स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करिए दीजिएगा। बाकी मिलते हैं और भी नज़ारे के साथ। फाइनली माता रानी का मूर्ति तो आ चुका है और बस कुछ देर बाद इनका आरती पूजन होना है और इसके बाद विसर्जन की तैयारी। तो बाकी पूरा वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बस वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कर दीजिए, करोगे तो शायद ही, उम्मीद है काफ़ी वीडियो में चूक जाएंगे। बाकी माता रानी आ चुकी हैं और मिलते हैं और भी नज़ारे के साथ। बाकी वीडियो पे बने रहिएगा, बाकी मिलते हैं और भी नज़ारे के साथ अगले एपिसोड के साथ। देख सकते हैं दोस्तों मूर्ति विसर्जन में ले जाने के लिए तैयारी में लग चुके हैं। फाइनली माता रानी की छोटी जो मूर्तियाँ हैं उनको उतार लिया गया है और बस कुछ ही देर बाद ट्रेन का भी तैयारी चालू हो जाएगा, है ना। नज़ारे बने रहिए क्योंकि अंतिम दर्शन है, तो अंतिम दर्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा और अंतिम जो नज़ारा है शायद आप लोगों के लिए यादगार हो सकता है। नज़ारे बने रहिएगा और भी नज़ारा, क्योंकि फाइनली ट्रेन चालू हो चुका है। तो नज़ारे इसी तरीके से बनाए रखिए और बस सपोर्ट कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट भी कीजिए क्योंकि माता रानी का आज अंतिम विदाई है ना। तो आप लोग कमेंट भरपूर कीजिए, सपोर्ट भरपूर कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। ओके, बाकी बने रहिए ब्लॉग के साथ। फाइनली दोस्तों माता रानी विसर्जन के लिए हो चुकी हैं तैयार और अंतिम विदाई में आप लोगों से मेरा एक बार रिक्वेस्ट, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो जय माता दी और अंतिम प्रार्थना माता से, क्योंकि अब वो ठीक एक साल बाद मतलब 2025 में आएंगी। जब तक के लिए सभी लोग माता से यही मन्नत मांगें कि अगले वर्ष फिर से आना और बस इसी तरीके से इस वीडियो को सपोर्ट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट करना, लाइक करना, ढेर सारा प्यार देना, सपोर्ट बनाए रखना, शेयर जरूर करना। जय माता दी।
विसर्जन को चली रे मोरी मैया हो, विसर्जन को चली रे मोरी मैया विसर्जन को चली रे मोरी मैया हो, विसर्जन को चली रे मोरी मैया दिन माई तेरी सेवा में बीते नौ दिन माई तेरी सेवा में बीते अब कैसे बिरहा की ये रन बीते अब कैसे बिरहा की ये रन बीते नौ दिन माई तेरी सेवा में बीते विसर्जन को चली रे मोरी मैया विसर्जन को चली रे मोरी मैया फाइनली दोस्तों नवरात्र का अंतिम कार्यक्रम समाप्त हुआ और आज माँ शारदा का विसर्जन घाट पे और बाकी आप लोगों को कैसा लगा अभी तक का व्लॉग लाइक करना सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा है ना बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ जय हिंद वंदे मातरम जय माता दी।